एक मिनट, वीडियो स्टार्ट हो गया है। राम राम भाई लोग, और कैसे हो सब? सब बढ़िया? वैसे उम्मीद करते हैं सब कोई ठीक ही होंगे। सबको स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग्स में। वैसे आज का जो वीडियो शुरू करने से पहले पूरी कहानी आप लोग को बता देते हैं। अभी जो है हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि कश्मीर की गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है, तुलमुल्ला में। और अभी जहां हम बैठे हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का जो प्लेग्राउंड है, उधर बैठे हैं। ये जो ब्लॉग है कश्मीर की पहली ब्लॉग है। इसके बाद कहीं अगर घूमने जाते हैं कहीं भी वैसे, तो बिल्कुल आप लोग को जगह सब दिखाएंगे। वैसे यहाँ घूमने के लिए बहुत बहुत सारे जगह हैं, लेकिन ज़्यादा घूमना फिरना नहीं हुआ है। तो फिर अगर कहीं जाएंगे घूमने के लिए तो बिल्कुल आप लोग को जगह सब दिखाएंगे। चलिए आप लोग को पीछे का नज़ारा थोड़ा दिखा देते हैं। ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का जो मेन कैंपस है, यही है, जो कि तुलमुल्ला में है, गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट कश्मीर की। और ये जो है उसके सामने जो बिल्डिंग आप लोग देख सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी पूरी बनी नहीं है। तो ये जो है ये मेन कैंपस होने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होने वाला है। और फिर ये जितना भी मतलब आगे ग्राउंड देख रहे हैं, पूरी ग्राउंड जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर की ही है। और आप लोग जैसे देख सकते हैं, पहाड़ 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 चारों तरफ, और नीचे है ये यूनिवर्सिटी। काफ़ी अच्छा मतलब नज़ारा है। चलिए तब तो आज का वीडियो शुरू करते हैं यहीं पे, ठीक है? तब वैसे आज की जो ब्लॉग है, एक जगह मतलब ऐसे ही गए थे घूमने के लिए रैंडमली, जो कि एक छोटी सी पार्क की है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी ब्लॉग बना दिया जाए आप लोग के लिए। तो ये जो ब्लॉग है इसका मकसद यही है कि आप लोग का कुछ एंटरटेन हो जाए। वैसे यहाँ की जो बात है वो अलग ही है, क्योंकि कहीं भी देखो मतलब अच्छा ही दिखता है। ऐसे ही नहीं कहते कि कश्मीर दुनिया की जन्नत है। तो फिर चले तो वीडियो देखते हैं आज का, फिर बताइए कैसे लगा, ठीक है? तो चलिए। तो भैया जी, उस दिन जो है हम लोग पांच जन गए थे, हम, आशीष, हर्षित और मंदाकिनी, प्रदर्शन। आगे चलिए सबसे मिलाते हैं। चलिए तो नद्रू, आप समझते हो नद्रू? लोटस होता है ना, लोटस, लोटस था वो, क्या लाया वो मानस पर लेके। और ये हैं हमारे एक बिहारी, सबसे भारी, हर्षित भैया। उधर से आ रहा था, बैठ बैठ, वो पता है उधर से आ रहा था, पता नहीं था उधर से। तो ये जी, फाइनली हम लोग आके पहुंच गए थे हमारा जो डेस्टिनेशन था जारकपाल, जो कि एक लेक साइड पार्क है। आप लोग जैसे देख सकते हैं इतना अच्छा नज़ारा है पीछे। वैसे यहाँ की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि हम लोग जो सुने थे कश्मीर दुनिया का जन्नत है, ये सब देख के यकीन हो जाता है कि चलो ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि कश्मीर दुनिया का जन्नत है बोल के। चलिए फिर आगे चलते हैं, क्या होता है फिर देखते हैं, सबके साथ मिलाते हैं। गाइज, हेलो गाइज, जगह नाम तो जानी नहीं, क्या जारकपाल? हेलो, ठीक आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। और ये हैं आशीष और हर्षित।
हमारे राम और लखन थे। थोड़ी देर उस पार्क में वक्त बिताने के बाद हम लोग चल दिए और एक डेस्टिनेशन पे, क्योंकि ऑटो वाले भैया ने बोला कि चलिए भैया आज आप लोग को वाटरफॉल घुमाते हैं। वैसे वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग के साथ तो एकदम मोह मोह हो गया, क्योंकि भाई भैया ने वाटरफॉल बोल के एक नदी में पहुँचा दिया था। से पहले तो नहीं गए हैं। वैसे कहने जाएं तो उसका भी नज़ारा बहुत ही अच्छा था, और हम लोग वहाँ पर भी कोई कसर नहीं छोड़े फोटोज़ वीडियोज़ ये सब उठाने में, क्योंकि भैया आईना जो है बीते हुए वक्त को नहीं दिखा सकता, इसीलिए बस इन्हीं फोटोज़ वीडियोज़ के ज़रिए उन लम्हों को उन यादों को ज़िंदा रखने में ही भलाई है। वैसे आखिरी में बस एक शायरी के साथ ख़त्म करना चाहेंगे वीडियो, तो शायरी कुछ ऐसा है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो और एक ऐसी शायरी है, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। वाह, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। इसी के साथ आज का ब्लॉग जो है एंड करते हैं, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आपके भाई को, आप लोग का सपोर्ट रहना चाहिए, और ऊपर वाला तो नहीं बस समझ लें। ठीक है गाइस, राम राम।